देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अपना कामकाज संभाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले ही दिन वे एक्शन में आ गए और सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी व्यवस्था को बदल डाला। ये वो व्यवस्था थी जो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के समय बहुत बार प्रयोग में आई थी। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख से जुड़ी हुई है, जिस पर उनकी ओर से रोक लगा दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था का जिक्र किया। इसके तहत अब वकीलों से किसी भी मामले की तत्काल सुनवाई के लिए पहले ईमेल या लिखित पत्र के जरिए आग्रह करना होगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो व्यवस्था चल रही थी, उसके तहत वकील आमतौर पर कोर्ट की कार्यवाही की शुरुआत में ही सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ से अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई का मौखिक तौर से आग्रह किया करते थे, जिस पर चीफ जस्टिस की बेंच मौके पर ही उस आग्रह को स्वीकार या उसे खारिज कर दिया करती थी। अब किसी मामले की तत्काल सुनवाई के लिए नई व्यवस्था के तहत वकीलों को न सिर्फ ईमेल या लिखित पत्र के जरिए आग्रह करना होगा, बल्कि तत्काल सुनवाई के कारणों को भी बताना होगा। उसी आधार पर उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। अपने आदेश में सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ तौर से कहा, अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा, केवल ईमेल या लिखित पर्ची या पत्र में ही होगा, बस तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडा का फ्रेमवर्क तैयार किया है और कहा कि न्याय तक लोगों की आसान पहुंच को सुनिश्चित करना और नागरिकों के साथ उसकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने इस मौके पर ज्यूडिशियरी के सामने आने वाले चैलेंजेस का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लंबित मामलों की संख्या कम करने, कानूनी प्रक्रियाएं जो बेहद जटिल महसूस होती रही हैं, उसे आम लोगों के लिए सरल बनाना और मुकदमेबाजी, जिन पर लोगों का कई बार बड़ा खर्च होता आया है, उसे सस्ता और किफायती बनाने के प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। उन्होंने अब तक देश के सीजीआई रहे डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। इस पद पर उनका कुल सेवाकाल 6 महीने से कुछ ज्यादा वक्त के लिए होगा। 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 13 मई 2025 को वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।